महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं पवार साहब। जैसे जैसे बीजेपी बढ़ती गई, चाणक्य नीति और चालें कमजोर पड़ती गई। आज इतनी कमजोर हुई कि पार्टी नाम निशान सब लेकर अजीत पवार बीजेपी में जा मिले, लेकिन पवार साहब ने हिम्मत नहीं हारी है। वो कब क्या खेल कर दें, सबसे ज्यादा सहमी है बीजेपी। 2 मार्च को शरद पवार के गढ़ बारामती ने महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स होगी और बारामती से ही ये पॉलिटिक्स की शुरुआत भी आप कह सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार के साथ खुद शरद पवार भी बेटे सुप्रिया सुले के साथ होंगे। शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार बारामती में विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज परिसर में नमो जॉब फेयर में हिस्सा लेने वाले हैं। इसी मौके को यादगार बनाने के लिए पवार ने अपने बारामती वाले घर गोविंद बाग पर डिनर रखा है, जिसमें शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार के साथ पूरी कैबिनेट को बुलाया गया है। पवार इसलिए खुश हैं कि शरद पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे सीएम बनने के बाद पहली बार बारामती आ रहे हैं। पवार ने निमंत्रण के लिए एकनाथ शिंदे से फोन पर बातचीत भी। अब इसमें राजनीति ये है कि नमो जॉब फेयर जिस कॉलेज में हो रहा है उसके चेयरमैन शरद पवार हैं, लेकिन उनको सरकारी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है। पिछली बार भतीजे अजीत पवार ने अपने चाचा अजीत पवार के साथ विद्या प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में मंच शेयर किए थे। हालांकि पवार ने कहा है कि वो कार्यक्रम में शामिल होना चाहेंगे। उन्होंने तीनों को डिनर पर बुलाया है, जो आएंगे या नहीं आएंगे इसका पता नहीं है। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि अतिथि देवो भव। बारामती शरद पवार का गढ़ है, जिसे उन्होंने बेटे सुप्रिया सुले के सुपुर्द कर दिया है। बारामती लोकसभा सीट से 1996 में शरद पवार और सुप्रिया सुले जीतते आ रहे हैं। शरद पवार 4 बार सांसद चुने गए हैं और सुप्रिया सुले 3 बार चुनाव जीतने के बाद 4थी बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी इस सीट पर आज तक जीत नहीं पाई, इसलिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बन रही है कि बारामती पवार से तो छिन जाए लेकिन अजीत पवार के पास चली जाए। इस बार चर्चा तेज है कि बारामती सीट अजीत पवार के कोटे में जाएगी। अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाएंगे। लड़ाई घर वाली ननद भौजाई की होगी। सीट तो घर में रहेगी, लेकिन सुप्रिया सुले नहीं जीत पाई तो शरद पवार का कब्जा खत्म हो जाएगा। बारामती कॉन्क्लेव से पहले मुंबई में पवार ने इंडिया अलायंस का सीट शेयरिंग लॉक कर दिया है। अलायंस में अब शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी की 5 पार्टियां हो गई है। 48 सीटों का बंटवारा ऐसे हुआ है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को 21, कांग्रेस को 15, शरद पवार को 9, प्रकाश अंबेडकर को 2 और राजू शेट्टी जो है उनकी जो पार्टी को 1 सीटें दी गई है। प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी 2 नए पार्टनर हैं जो अलायंस में शामिल हुए हैं। पिछले 28 साल में बारामती की राजनीति करते करते पवार की राजनीति बदल चुकी थी। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने थे। 1999 में उन्होंने एनसीपी बना ली। 20 साल एनसीपी की घड़ी चलती रही। अजीत पवार की बगावत के बाद पवार के पास न कांग्रेस है न एनसीपी। नई शुरू करनी होगी और नई शुरुआत से ही वो समीकरण भी निकालेंगे। चुनाव आयोग ने पार्टी को नया नाम दिया है, एनसीपी शरद चंद पवार। चुनाव आयोग ने इलेक्शन सिंबल भी दिया है, तुरहा, जिसे तुरही या तुरतुरही भी कहा जाता है। बारामती में चुनाव लड़ने का धर्म संकट अलग है। बेटी को चुनाव जिताने के लिए बेटे जैसे भतीजे को कोसेंगे या फिर बेटी जैसी बहू को कोसेंगे, ये भी सस्पेंस है। लेकिन देखने वाली बात सबसे दिलचस्प तब होगी जब बारामती सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव पर अगर शरद पवार फिर से काबिज हो पाते हैं या फिर अपनी धाक जमा पाते हैं, तो फिर अजीत पवार किस मुंह से अपने चाचा को ये कहेंगे कि हमने आपकी पार्टी को तोड़ा और फिर बारामती जीत दर्ज कर ली। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।